का मतलब इस पर पूरा पूरा षड्यंत्र तुम्हारा है। गुरुजी थर थर कांप, सरकार हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे हमसे सौगंध खवा लो, हम दावे के साथ कहते हैं आपके बेटे को ना हमने पढ़ाया और ना ही किसी और ने पढ़ाया, तुम्हारा बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतते सतवेंद्र शत्रु नई सर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युं कदलास्ममान। नई सर्ग की मति ही विधाता ने इस बच्चे की बुद्धि ऐसी ही बनाई है, तो हम क्या कर सकते हैं महाराज? आप क्रोध शांत कीजिए, विवेक से विचार कीजिए। अब हिरण्यकश्यपु चक्कर में पड़ गया, गुरुजी पढ़ाते नहीं, तो ये पढ़ कहां से जाता है? इसी से पूछना चाहिए, प्रहलाद तू मुझे बता ये सब बातें तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सो जा नहीं जही दे हो जनाई, सो जा नहीं जही दे हो जनाई, जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही हो जाई, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं, सो जानहि जेहि ते हो जनाई, सो जानहि जेहि ते हो जनाई, जेहि ते हो अब हिरण्यकश्यपु भयंकर क्रोध में भर गया, ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ गया इसमें बड़ा भयंकर भगवत भक्ति का रोग लग गया है, और मैं ये जानता हूं ये रोग संक्रामक है, स्वाइन फ्लू की तरह फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को पट्टे ही लगती है। एक भजनानंदी श्री वैष्णव कोई प्रकट हो जाए तो संत के संपर्क में जितने लोग आते हैं सभी तिलकधारी मालाधारी कंठीधारी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये बीमारी फैलने वाली है, अभी प्रहलाद है, कहीं इसके संपर्क में और लोग भी इस रोग के शिकार न बन जाएं। रोग यदि ठीक नहीं होवे तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए, ले जाओ मृत्यु मुख में डाल दो। असुर टूट पड़े, उठा के प्रहलाद को पकड़ के ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, विषपान कराया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मन ही मन घबराया। संडामर्क जी ने आके तब समझाया कि राजन बच्चा है, आप परेशान मत होइए, समय पा करके इसके विचार बदल जाएंगे, थोड़ा समय और हमें मिल जाए, हम इसको सुधार देंगे। बच्चा है, देखो कोमल लकड़ी हो हरी लकड़ी हो इधर उधर मुड़ जाती है, एकदम सूख जाए फिर नहीं मुड़ती, फिर तो टूट जाती है, तो अभी बच्चा है सुधर जाएगा। अच्छा तो ले जाओ, गुरुजी पकड़ के फिर ले आए विद्यालय में, परंतु इन पर कहां किसी का रंग चढ़ने वाला था, कृष्ण रंग में रंगे हुए थे पूरी तरह। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, मिला मौका विद्यार्थियों को खेलने का, सो निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी को मिल गया अवसर, सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ मित्रों एक नया खेल सिखाता हूं, सारे विद्यार्थी आ गए। हां प्रहलाद बताओ, प्रहलाद जी बोले चलो आज आंख में चौनी खेले। एक बोला ये तो बहुत पुराना खेल है, प्रहलाद जी बोले अच्छा बताओ पुराना है तो कब से ये खेल प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया? बोले ये तो हम इतिहास नहीं जानते कुछ, पर खेल बहुत पुराना है ये हम जानते। प्रहलाद जी बोले तो चलो हम बताते हैं तुम्हें, आंख मिचौनी का खेल अनादि है, दो मित्र हैं जीवात्मा और परमात्मा, दोनों आपस में बोले चलो आंख मिचौनी खेलें, ठीक है तो पहले कौन छुपेगा? आंख मिचौनी तो सबने खेली होगी, एक छुपता है दूसरा ढूंढता है, तो पहले कौन छुपे? जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे आप हमें ढूंढिए, भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ, और इतना याद रखो जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा फिर तुम्हें भी मुझे ढूंढना पड़ेगा जब मैं छुपूंगा, मंजूर है?
तो महाप्रलय काल आया और महाप्रलय में समस्त जीव परमात्मा के उदर में ही विलुप्त हो गए, छुप गए। कल्पांत एतद अखिलम जठरे न ग्रहणन, भगवान के पेट में महाप्रलय काल में सभी जीव जंतु समा जाते हैं और प्रलय के बाद भगवान ने फिर एक एक जीव को उसके पूर्व एक एक कर्म के अनुसार ढूंढ ढूंढ करके जगत में जन्म देना चालू कर दिया और कर्मानुसार सबको अलग अलग देह प्रदान की। 84 लाख योनियों में सभी जीवों को ढूंढ निकाला। भगवान बोले, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत में हम भी कण कण में छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो। और जो जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जाने जाएगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहते हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की पीड़ा से बचने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसलिए मित्रों उसको ढूंढना ही जीवन का परम लक्ष्य है। खाना पीना सोना ये तो देह धर्म है, शरीर यात्रा के साधन है, बाकी मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो वो जगत में छुपे जगदीश को जानना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और ये मत सोचना बुढ़ापे में बैठ के माला लेके फिर भजन करके जान लेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा किसने देखा? कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल तक ही जिंदा रहोगे? एक मिनट का तो भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। एक क्षण का पता नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही भगवत भजन में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बुद्धिमान वही है जो होश संभालते ही हरि को जानने में जुट जाए, क्योंकि उसको जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद हमने तो ऐसा ही सुना है कि जो बुढ़े हो जाते हैं वो बैठे बैठे माला सटकाने लग जाते हैं, हमारी उम्र तो मौज मस्ती की खेलने कूदने की है, तुम अभी से भजन की बात कर रहे हो, सिखा रहे हो। प्रहलाद जी बोले, मित्रों ये बताओ तुम अपनी उम्र कितनी मानते हो? बोले 100 साल। बोले चलो हमने भी मान ली तुम 100 साल जिंदा रहोगे, पर रात तो सोने में ही बिता देते हो ना, इसका मतलब तुम्हारी आधी उम्र सोने में गई, 50 साल सोने में गए। अब प्रारंभ की अबोध अवस्था में ज्ञान कुछ होता नहीं, और 20 वर्ष की उम्र अज्ञानता में मौज मस्ती में ही तुमने लुटा दी, तो बचे 30। अब 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उनको पहले ही निकाल दो हिसाब से, क्योंकि 80 के बाद पहले तो बचोगे नहीं, और बच भी गए तो कुछ का मतलब के रहोगे नहीं। शरीर में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि उन समस्याओं को ही निपटाने में 24 घंटे लगे रहोगे, भजन के लिए फुर्सत कहां होगी तुम्हारे पास? तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रहलाद जी से मित्रों ने कहा, प्रहलाद भैया बात तू बड़ी जोरदार कहता है, पर जो हमारे गुरुजी ने आज तक कभी नहीं सिखाया वो तू कहां से सीख गया भैया प्रहलाद? ये हमारी समझ में नहीं आता। वही गुरुजी तुम्हारे वही हमारे, वही विद्यालय तुम्हारा वही हमारा, तो तुम कहां से सीखे? प्रहलाद जी बोले, सुनो, जब मैं मां के पेट में था तो
हम दैत्यों के ऊपर देवताओं ने आक्रमण कर लिया और मेरी मां को बंदी बना दिया। प्रहलाद जी कहते हैं मैं अपनी मां के पेट में था और देवराज इंद्र ने आक्रमण करके मेरी मां का हरण कर लिया। मेरी मां खूब रोने लगी, बचाओ बचाओ। इतने में देवर्षि नारद सामने आ गए, उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती, देवताओं के राजा हो और एक गर्भवती स्त्री का अपहरण कर रहे हो। इंद्र ने कहा महाराज माफ कीजिए, मेरे मन में इस देवी के प्रति कोई कुभाव नहीं है, मैं तो इसलिए पकड़ के ले जा रहा हूं कि एक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से तो हम वैसे ही परेशान है, अब इसका एक बेटा और होने वाला है, वो भी आतंक फैलाएगा, तो मैं सोचता हूं कि इस देवी के गर्भ का जन्म होते ही से मार डालो, इसके बच्चे को मार दूं और इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है देवराज इंद्र, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं इस देवी के गर्भ में कोई परम भागवत परम वैष्णव बैठा हुआ है, तुम तो क्या इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोई इंद्र मेरी मां को प्रणाम करके चला गया। प्रहलाद जी कहते मित्रों मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद जी ने एक आश्रम में मेरी मां को आश्रय दिया और बहुत बढ़िया उपदेश देते रहे और कहा देवी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटते तब तक तुम आश्रम में पूर्णतः सुरक्षित हो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं नारद जी मेरे मां को उपदेश देते रहे और मां के पेट में बैठा बैठा मैं भी सुनता रहा, इसलिए मेरे असली गुरु देवर्षि नारद हैं। विद्यार्थी बोले गजब कर दिया प्रहलाद, तूने मां के पेट में ही सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। हमारे गुरुजी भी ठीक ही कहा करते थे ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, बारे प्रहलाद तू मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। प्रहलाद जी बोले इसलिए तो कहता हूं ये मेरी मनमुखी विद्या नहीं है, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है मेरा, जो ज्ञान जितना परंपरा प्राचीन परंपरा से प्राप्त होगा वह उतना ही सुव्यवस्थित सुरक्षित और प्रामाणिक होगा, इसलिए हमारे यहां परंपराओं का बड़ा आदर होता है। मनमुखी ज्ञान मनमुखी बातों का कोई महत्व नहीं होता हमारे यहां, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र की बात का प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र सम्मत चर्चा होनी चाहिए। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तेरी बातें तो बड़ी प्यारी लगती हैं, मन तो हमारा होता है कि तेरे साथ खूब मस्ती में नाचें कीर्तन गावें, पर तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद आती हमारी हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से तो डर लगता है और उस परम पिता जगत पिता से नहीं डरते। अरे मित्रों वो जगत पिता सिर्फ मेरा पिता नहीं, समस्त जीवों का वह परम पिता है, हम सबका स्वामी है। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम्। जो भी उसका भजन करता है वो उन्हीं पर कृपा करते हैं, चाहे वो दैत्य हो दानव हो राक्षस हो कोई भी हो, भगवान तो सबके हैं और सब भगवान के हैं। फिर भी तुम्हें डर लगता है मेरे पिता से, तो मैं तुम्हें वचन विश्वास दिलाता हूं जो भी कुछ गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा, तुम एक बार मेरे साथ मेरे प्रभु का नाम कीर्तन गा के देखो कितना आनंद आता है। विद्यार्थी आप उसमें बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रहलाद हम तेरे साथ। आज गुरुजी भी विद्यालय में नहीं है, मौका बहुत बढ़िया है, चलो कीर्तन करते हैं। अब प्रहलाद जी के मित्र जितने बैठे हैं वो तो ताली बजा के मस्ती के साथ मेरे साथ गाएं, और हिरण्यकश्यपु का कोई मित्र बैठा हो तो हम उससे जबरदस्ती क्यों गमाए, उसकी मर्जी हो गाए न गाए, और प्रहलाद जी के मित्र तो साफ ताली बजा के मस्ती में गा उठे।